आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। अब यहाँ पर प्रोजेक्शन वेक्टर जो रहेगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता, देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वेक्टर ये होता है जब कोई आप एक ऐसा वेक्टर जो कि एक्स वाई और जेड के साथ, एक ऐसा वेक्टर जो एक्स वाई जेड के साथ तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाए, उस एंगल को उस प्रोजेक्शन डायरेक्शन, एक एक प्रोजेक्शन की एक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन को बोलते हैं आइसोमेट्रिक डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन के वेक्टर को बोलते हैं आइसोमेट्रिक वेक्टर। अब इसकी खास बात यह होती है कि ये जितने भी आइसोमेट्रिक आप ये देख रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू, इनके अंदर जो आपका देखने का एंगल है, जो आपका जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, तीन एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाया हुआ है, ये आइसोमेट्रिक डायरेक्शन होती है। आइसोमेट्रिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं, आपको जो करवाने वाला हूं मैं, वो है ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो वेक्टर होता है, जो आपका व्यूइंग वेक्टर होता है, वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है, मतलब कि आप यहां से इस तरफ से देख रहे हैं तो ये वाला व्यू मिलेगा, फ्रंट व्यू। आप अगर ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये टॉप व्यू मिलेगा, और अगर आप साइड से देख रहे हैं तो साइड व्यू मिलेगा। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर हमें सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन जो है, ये आइसोमेट्रिक वेक्टर का व्यू है, एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और ये है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर हमें तीन प्रोजेक्शन चाहिए होती हैं। इन केस ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमें एक ही प्रोजेक्शन से काम चल जाता है। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थो में ये फर्क होता है कि ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो यहां पर हम परपेंडिकुलर देखते हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन आइसोमेट्रिक ये जो प्रोजेक्शन है, इसके अंदर हम जो हमारा व्यूइंग डायरेक्शन होती है, ये सेम एंगल बनाती है तीन एक्सिस के साथ, ये हमारी व्यूइंग एंगल है। मेरी तरफ अगर आप ये पॉइंट को ठीक स्क्रीन के परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये जो डायरेक्शन होगी वो आइसोमेट्रिक डायरेक्शन होगी, ये आइसोमेट्रिक डायरेक्शन होती है। अब यही, ये सबसे सिंपल दो प्रोजेक्शंस इस्तेमाल की जाती हैं ड्राइंग के लिए, सबसे सिंपल। ऑर्थोग्राफिक में ये परपेंडिकुलर के लिए, इसमें तीन व्यू चाहिए होते हैं, आइसो में एक ही व्यू चाहिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ थ्री डायमेंशनल आइसोमेट्रिक व्यू, यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लिखा, आइसोमेट्रिक व्यू भी लिख सकते हो, आइसोमेट्रिक वेक्टर भी लिख सकते हो। ये हमारा जो व्यूइंग डायरेक्शन है, इसके अंदर हम आइसोमेट्रिक डायरेक्शन से देख रहे हैं। आइसोमेट्रिक डायरेक्शन वो होती है जो तीन एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है, तो यहाँ पर आपको आइसोमेट्रिक डायरेक्शन में एक ही व्यू चाहिए होता है, ऑर्थो में तीन व्यू चाहिए होते हैं। जैसे कि अब ये एक एग्जांपल है, इसमें आप देखिए ये अब ये जो ब्लू वाला जो सरफेस है, ब्लू, अब आप ऑर्थोगोनली देखेंगे, ये दिख रहा है ना सबको, मतलब सर एक तरह से 3D प्रोजेक्शन होगी। 3D प्रोजेक्शन नहीं होती। 3D प्रोजेक्शन में आपको सिर्फ एक प्रोजेक्शन से काम चल जाता है, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 3D होती है, लेकिन आपको जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देनी है
किसी को ड्राइंग देनी है ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, तो हम तीन प्रोजेक्शन देते हैं उसको, तीन व्यू आपको देने ही पड़ेंगे। अब जैसे ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये ब्लू वाला जो व्यू है इसको टॉप व्यू बोलते हैं, इसलिए ये टॉप में बना है, ऑर्थोग्राफिकली प्रोजेक्ट हुआ पड़ा है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं तो ये आपका फ्रंट व्यू है, ये ग्रीन कलर का ये फ्रंट व्यू दिखा रहा है। और जो आप इधर से राइट से देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा साइड व्यू है। तो यहाँ पे अगर मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दे रहा हूँ किसी को, तो उसमें मुझे तीन व्यू देने पड़ेंगे उसको। सर, अगर हाँ बोलो। अगर हम इसके तीन व्यू दे रहे हैं और तो उसके हिसाब से, तो वहां पे बीच में येलो में नीचे वाली साइड में लाइन क्यों डली हुई है? आगे की साइड पे कोई लाइन थोड़ी ना, ब्रेक थोड़ी ना हुआ बीच में से यहाँ वो। पर कह रहे हो, ये कह रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है डैश लाइन, ये बता रहा है कि पीछे से ये हॉलो है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बीच में कैविटी है। बट सर वो इस तो यू से ही पता लग जाएगा ना, ऊपर से यू अगर वो दिखा रहे हैं तो होएगा ही बीच में गैप तो। ये भी दिया जाता है। अब आपको यहां से भी पता लग रहा है कैविटी है, इसमें नहीं पता लग रहा कैविटी है। इसमें आपको ये दिखाना पड़ता है, जो आपको इसमें दिया हुआ है, जो आपकी फिगर है उसमें जितनी भी एजिज हैं उसके अंदर आपको जो एजिज नहीं दिखाई दे रही उसमें आपको डैश लाइन लगानी पड़ती है। सर ऐसे सारे क्वेश्चन हुआ करते थे जेई मेंस में, मतलब भी थे एप्टीट्यूड के उसमें या आर्किटेक्चर में थे। सर तो सर ये मतलब पता कैसे चलेगा कि कौन सी लाइन कहाँ पे लगानी है? ऑब्जर्वेशन से देखो ये लाइन कैसे लगानी है, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ये अभी आप इसके बारे में उसमें अभी आपको नहीं पता कैसे करना है, लेकिन आपको ये चीज तो समझ में आ रही है कि ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो ये रहेगा, इसका टॉप व्यू ये रहेगा और इसका साइड व्यू ये रहेगा। ये तीन व्यू चाहिए होते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देने के लिए, ये तीन व्यूज चाहिए होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको समझनी है कि तीन व्यू। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर जनीशा का मैसेज आया, आप उसको लेटन कर लो। हो गया। तो यहाँ पर आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में तीन व्यूज आपको बनाने हैं। अब ये तो आपको, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट करेंगे एक पॉइंट को। तो यहाँ पर ये जो तीन व्यूज बनते हैं ये आप, हम इससे पहले इसको देखते हैं कि एक जो है प्लेन होते हैं इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्लेन्स। इन प्लेन्स के बारे में अब आप समझ लीजिए कि ऑर्थोग्राफिक प्लेन क्या होता है, कि अब इसमें तीन प्लेन होते हैं। यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक ये वाला प्लेन है, इसको वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। ये जो तीन प्रोजेक्शन है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ये जो प्रोजेक्शन है ये हम निकालते ऐसे हैं कि जैसे हम किसी चीज की परछाई निकाल रहे हैं, परछाई। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, तो उसको हम पीछे से लाइट डालेंगे तो उसका जो फ्रंट व्यू है वो इस प्लेन पे आएगा। फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पे आता है। और साइड से लाइट डालेंगे, साइड से देखेंगे बट ऑर्थोगोनली, तो साइड व्यू इस पे आता है। और ऊपर से लाइट डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो टॉप व्यू आता है वो इस प्लेन पे आता है। तो हम बेसिकली ये ऑब्जेक्ट को हमेशा इस क्वाड्रेंट्स में रखते हैं, या फर्स्ट में रखते हैं या
सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो अगर मैं फर्स्ट में रखता हूँ ऑब्जेक्ट को और तीन प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, समझ रहे हैं आप? फर्स्ट में रख के मैं तीन प्रोजेक्शन ले रहा हूँ तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे और तीन प्रोजेक्शन निकाल लेंगे, फ्रंट व्यू बिल्कुल ऐसे का ऐसे। आप मान लीजिए ये जो डेप्थ लिखा है, ये अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल रख देता हूं, या फिर ये ग्रीन वाला जो सरफेस है इसको मैं यहां पैरेलल कर देता हूं, ग्रीन वाला सरफेस, तो यहां पर जो प्रोजेक्शन निकलेगी वर्टिकल प्लेन पे वो ये ग्रीन वाली निकलेगी यहां पे। अगर आप ये ग्रीन सरफेस को हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे ये लिखा हुआ है इसके पैरेलल रख देते हैं ऐसे, तो यहां पर जो फ्रंट व्यू निकलेगा वो यहां निकलेगा, साइड व्यू यहां निकलेगा, और टॉप व्यू जो है वो यहां पर निकलेगा इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हम यहां पर सबसे पहले एक पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे। अब मैं ये जो चीज है ये मैंने आपको समझाई है, ये वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और आपका प्रोफाइल प्लेन होता है। अब यहाँ पर जो आपका पहला अब ये असाइनमेंट है उसके अंदर हम सबसे पहले पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ए पॉइंट इज 25 mm HP एंड 20 mm बिहाइंड द VP। तो आप ये देखिए कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। अगर ये पॉइंट बोलता है कि पॉइंट इज 25 mm HP, 25 mm HP एंड 20 mm बिहाइंड द VP, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये पॉइंट? सर अगर प्रोफाइल प्लेन इंक्लूड करेंगे तभी तो 8 क्वाड्रेंट बनेंगे ना फिर। और अगर हम देखें इनकी अगर परछाई से, इनकी परछाई से अगर हम देखें कि इनकी क्या वो निकल के आ रही है व्यू, तो सर वो तो सिर्फ शेप आएगी ना बीच में। जैसे जैसे सपोज दो एक तरफ एक क्यूबॉइड पड़ा है और उस साइड दो क्यूब जुड़े पड़े हैं जो कि क्यूबॉइड को पूरा कर रहे हैं, तो जो उस उल्टी साइड वाली जो प्रोजेक्शन है उसमें तो दो क्यूब क्यूब देखेंगे, क्यूबॉइड ही होगा ना एक। एक टाइम पे आपने एक ही चीज को प्रोजेक्ट करना है सर, एक ही चीज को ही करेंगे, उससे सिर्फ शेप पता लगेगी, मैं ये कह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने शेप शेप ही प्रोजेक्ट करनी है कि आपकी ये जो बॉडी है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसका शेप कैसा है। अब हम इस बॉडी के कितने कितने ऑर्थोग्राफिक व्यू निकाल सकते हैं, इसमें 6 व्यू हो सकते हैं, फ्रंट, टॉप, साइड, ऐसे ही यहाँ पीछे से भी हो सकता है, साइड व्यू 2 होंगे, टॉप व्यू भी 2 होंगे, एक ऊपर से एक नीचे से, फ्रंट व्यू भी 2 होंगे, तो ये टोटल होते हैं 6, ये 6 व्यू होते हैं। लेकिन हम इसको देते हैं 3 व्यू में, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि जो पॉइंट है हमारा, ये बोल रहा है कि पॉइंट इज 25 mm HP अबव HP एंड 20 mm बिहाइंड द VP, तो इसका मतलब है ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, 20 mm बिहाइंड द VP, तो ये कहाँ हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अभी मैं ये आपका जो सिस्टम है ये आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, और ये पॉइंट्स को मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा तो ये कैसे प्रोजेक्ट होने हैं, ठीक है। तो मैं अभी कैमरा चेंज कर रहा हूँ, वो अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपको। अभी आप बना के दिखाओगे सारा? हाँ मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा,
ये आपका असाइनमेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। अब यहाँ पर ये मैं पहले, सर इमेज उठी आ रही है, उल्टी आ रही है, इमेज उल्टा आ रहा है, एक मिनट। अब ठीक है, यस सर। दिख रहा है आपको? यस दिख रहा ना? यस सर। हाँ, तो मैं आपको पहले ना ये प्लेन बना के दिखा रहा हूँ कि प्लेन्स कैसे हैं, प्लेन्स कैसे बनते हैं। ये जो दो हमारे प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, ये कैसे बनते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन और इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। अगर कोई पॉइंट जो है, अब आपने ये समझ में आ रहा होगा आपको, जो दो प्लेन बनाए हैं, ये दो प्लेन्स हैं, एक ये वाला प्लेन और एक ये वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज पॉइंट पी इज 25 mm अबव एच पी एंड 20 mm बिहाइंड द वीपी। तो ये पॉइंट अगर 25 mm अबव एच पी है और 20 mm बिहाइंड द वीपी है, तो यहाँ देखिए ये पॉइंट कहाँ पर हुआ। तो थोड़ा जूम आउट कर दो। कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर ये दे रखा है कि द पॉइंट इज 20 mm बिहाइंड द वीपी। तो
ये जो डिस्टेंस हो गया ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 20 mm बिहाइंड द वीपी। आप अब थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ये पॉइंट पी है, इफ दिस इज पॉइंट पी, तो पॉइंट पी की प्रोजेक्शन क्या होगी, फ्रंट व्यू पी डैश वीपी के ऊपर पी डैश आएगा, इट इज 20 mm बिहाइंड द वीपी। अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, और ये बोलता है कि अबव द एचपी कितना डिस्टेंस है, इट इज अबव द 25 mm अबव द एचपी। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 25 mm अबव द एचपी। तो यहाँ पर आप ये आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इट इज 25 mm अबव द एचपी। ये जो पॉइंट पी है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, इट इज 25 mm अबव द एचपी एंड 20 mm बिहाइंड द वीपी। तो ये 20 है, ये 20 है, तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ होगी, एक तो ये प्रोजेक्शन है इसकी फ्रंट व्यू, और ये जो दूसरी प्रोजेक्शन है ये यहाँ पर होगी पी डबल डैश। ये इसकी दो प्रोजेक्शन हमने निकाल ली, ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। आया आपको समझ में कि ये इसका क्या मतलब है? सर, जो हमने प्लेन बनाया है इसकी कुछ डायमेंशन फिक्स है या फिर कुछ भी बना सकते हैं? फिक्स नहीं है डायमेंशन, आप प्लेन तो कुछ भी उसके अंदर हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो फिक्स है, इस पॉइंट की लोकेशन जो है वो फिक्स है। ये 20 mm बिहाइंड द वीपी है और 25 mm अबव द एचपी है। ये चीज आपको इमेजिन करनी है, अब ये सारा काम इमेजिनेशन का है, ठीक है। तो अगर मैं ये पॉइंट जो है, अगर मैं क्या करता हूं कि मैं इधर से देख रहा हूं, मान लो मेरा जो व्यूइंग वेक्टर है वो ये वाला है, जब भी ये व्यूइंग वेक्टर रहेगा तो आप ये देखेंगे कि प्रोजेक्शन जो पॉइंट पी की प्रोजेक्शन होगी वीपी के ऊपर वो ये आएगी पी डैश। और अगर मैं व्यूइंग वेक्टर ऊपर से लेता हूँ, ऊपर से आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे करके, ऊपर से देख रहे हैं, तो इसकी पॉइंट पी की प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगी। ये है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। अब क्योंकि हम अगर ये जो एक्स वाई लाइन है इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ नीचे वो, और ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो ये पॉइंट पी डैश कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट पी डैश आएगा 25 ऊपर, 25 एक्स वाई से यहाँ पर 25, तो ये पॉइंट आ जाएगा पी डैश यहाँ पर। और जो पी डबल डैश है वो इस समय कहाँ है, वो इस समय यहाँ पर है, नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर है पी डबल डैश। अगर आप सामने से देख रहे हैं तो ये इस तरीके का व्यू आपको नजर आएगा, ये चीज आपको समझनी है, इमेजिन करनी है, समझ में आ रहा है? इतना आपको समझ में आया? हाँ जी,
यस सर आ गया थोड़ा थोड़ा। ये पॉइंट पी को मैंने यहाँ प्रोजेक्ट किया है, समझ रहे हैं? पी डबल डैश कहाँ पर चला गया? यहाँ चला गया, क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं। ये जो मैंने बनाया है ये वर्टिकल प्लेन बनाया है, इस तरह से मैं सामने से देख रहा हूँ, और ये ऐसे वर्टिकल प्लेन बनाया मैंने। क्या बोलो, क्या हुआ? मैसेज कर दो। माइक कट रहा यार, वो शायद पूरा नीचे कर दे, नीचे का दिख नहीं रहा है। लिख दे भाई, लिख दे। आपको ये नजर आ रहा है ना सारा? ये देखिए, ये पॉइंट पी है सर। पूरा नहीं दिख रहा सर, ऊपर नीचे से कट रहा है पूरा। तो ये अब दिखेगा ना? यहाँ पे मैंने वर्टिकल प्लेन, जो हमारा वर्टिकल प्लेन है, उसको मैं सामने से देखूं, सामने से देखूंगा तो ये पॉइंट पी डैश यहां पर नजर आएगा, यहां से 25। इसमें कोई मुश्किल नहीं है समझना? ये सर 3D कोऑर्डिनेट पढ़ा था 12th में। अब ये स्टार्टिंग है, आपको ये चीज इमेजिन करनी है, और यहां पर आप सामने से देखेंगे। एक सेकंड, दो मिनट रुकिए। सर ड्रॉइड कैम यूज कर लो सर, वो ज्यादा क्लैरिटी वाला है। और आसान भी है यूज करना उसके अंदर, और सार बहुत फीचर नहीं है उसमें, फीचर्स पूरे नहीं है सर। वो बाय में है ना सारे फीचर, वो उन्होंने जो फ्री वर्जन निकाला उसमें सारे नहीं है, बट वो बढ़िया है। वो आपको नजर आ रहा होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जो ये पी पॉइंट की पोजीशन है ये फिक्स है? हाँ फिक्स है, लेकिन सर जो हमें डिस्टेंस है, जैसे कि आपने आगे बनाई है, थोड़ा पीछे भी तो बन सकता था, हमने तो हाइट और वो देखा ना उसकी ब्रेथ की कितनी होगी। हाँ पीछे कहाँ पे बना सकते हैं आप? यहाँ पे ये बोल नहीं, रहा मतलब है?
एक्सिस के थ्रू मतलब थोड़ा सा पीछे हो सके, हॉरिजॉन्टली पीछे हो सके। सर सर इस पॉइंट एक चीज देखो ना, ये जो पी पी डैश और ये जो बन रहा है एक रेक्टेंगल सा, ये पूरा मूव कर सकता है ना आगे पीछे, ये बोलो बच्चे। हाँ, ये ये पूरा आगे पीछे मूव करेगा। पी के सिर्फ कोऑर्डिनेट तो फिर भी सेम है, जेड के रिस्पेक्ट में कुछ गिवन ही नहीं है। यस सर, ये आगे पीछे नहीं मूव कर सकता, ये सिर्फ इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, यस सर, मैं भी वही कह रहा हूँ, सिम मूव करेगा। बस इस प्लेन के अंदर आप पॉइंट पी को कहीं भी रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं। ये पॉइंट पी यहां पर भी हो सकता है, उस केस में प्रोजेक्शन जो होगी वो यहां पर आ जाएगी। तो ये इस पूरे पीछे वाले प्लेन के अंदर ये मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट पी यहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये चीज है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब मैं सर अगला अगर वहां पे फ्रंट आगे फ्रंट पॉइंट्स, लिखा होता बिहाइंड की जगह तो आगे को बनता। आगे पॉइंट्स जो है ना मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूं, तो आपको और समझ में आएगा कि मैं ये अच्छा चीज क्या ठीक है, है। आगे जो पॉइंट्स है ना, ओके और प्रोजेक्ट्स मैं करते करता जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है, द पॉइंट क्यू इज 20 mm बिलो HP एंड 25 mm बिहाइंड द VP। 25 सर, एमएम हाँ बोलिए। सर वो जो प्लेन है आपने वर्टिकल प्लेन, हाँ उसका जो टॉप पार्ट है वो कितने एंगल पे रहेगा 2D प्लेन में टूडी जो प्लेन हम में, रिप्रेजेंट? हाँ हाँ, टूडी प्लेन जो में जो हाँ कितने एंगल पे बनाना है उसे? देखो आपने ये बनाना है, ये जो नीचे दिख रहे हो ना इसमें कोई एंगल दिख रहा है आपको? इसमें कोई एंगल है ही नहीं। आप ये एंगल नहीं कह सर, रहे नहीं सर, हैं, ये एंगल कह रहे हैं, ये बनाना नहीं भी नहीं है। हाँ जो वर्टिकल प्लेन का जो टॉप, जैसे वर्टिकल को ABCD नाम अगर कर दे, हाँ BAC कितना होगा? ABCD आप इसको नाम देना चाहते हैं, ABCD ये कह रहे हैं आप, ठीक है? जो हाँ, आप कह रहे हैं AD, बी BAD कितना होगा? बी बी ये कह रहे हैं ADB, इसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है ठीक है, और बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ इमेजिन करना है, आपको आंसर ये बनाना है, आपको ये बनाना ही नहीं है, ये वाला। ठीक है सर। आगे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन ये बोलता है द पॉइंट क्यू इज 20 mm बिलो HP, 20 mm इट इज बिलो HP एंड 25 mm बिहाइंड द VP, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 20 mm बिलो HP एंड 25 mm बिहाइंड द VP, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट है? नहीं सर, थर्ड थर्ड है, थर्ड थर्ड होगा, थर्ड ही होगा। होगा 25 mm बिलो HP एंड 20 mm बिहाइंड द VP, बिलो HP एंड बिहाइंड द VP क्या होगा? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट होगा। इतना यस। सोच क्यों रहे हो? बिलो HP और बिहाइंड द VP क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट ना हुआ? यस सर, थर्ड है। थर्ड यस सर, क्वाड्रेंट थर्ड है।
ये पॉइंट का नाम है क्यू, ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे बना देता हूँ, ये साइड में मैं ये प्लेन्स दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, या फिर एक नया बना लेते हैं हम, सर ये 2D है ना सर, देखिए ये 2D बनाया है, ये 2D बनाया है, ये सब पॉइंट तो 2D होते हैं, पॉइंट तो 2D होते हैं, आपको ये बनाना है सर, पॉइंट तो 1D होता है, पॉइंट तो 1D होता है, 1D होता है इनफैक्ट, हाँ, ये सब 2D, अभी आपको 1D और 2D नहीं है, पहले पॉइंट्स सिखाया जाता है, फिर सिखाया जाता है लाइन। सर जैसे पिछली बारी हमने पी पी डैश करके जो वो एक प्लेन बनाया था, वो जिस तरह से फ्रीली मूव कर रहा था, उस हिसाब से तो सर 3D में तो 8 क्वाड्रेंट होते हैं ना, और वो दो क्वाड्रेंट के पेयर में मूव कर सकता है ना, अगर जेड एक्सिस का कोई वो नहीं है तो, क्योंकि वो मूव कर रहा है, वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, दो में से किसी एक में। अभी मैंने आपको जो बताया है वो क्वाड्रेंट में फिक्स कर रहा हूँ, आप दो क्वाड्रेंट में कैसे ले सकते हैं एक ही पॉइंट को? सर अगर हम अभी जो आपने वो बनाई थी उसमें आपने x एक्सिस का प्लेन बनाया था और y एक्सिस का प्लेन बनाया था, z एक्सिस का तो प्लेन ही नहीं था उसमें, अगर आपने वो बना दिया तो 8 क्वाड्रेंट नहीं हो जाएंगे? मैं अभी बना रहा हूं, अभी अभी आप दो एक्सिस में तो सीख लो, तीसरा बना रहा हूं मैं अभी भी, मैं सिखा नहीं रहा हूं, अभी उसको बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन, और बताता हूं वो क्या है, वो अभी आप ये दो में तो सीखो, प्रोफाइल प्लेन भी अभी बताता हूं मैं उसके अंदर कैसे प्रोजेक्ट करना है, वो डिस्टेंस आपको नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको भी 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर ही आपको बताना है। अभी मैं ये दोबारा बना रहा हूं, और अभी आप जेड एक्सिस वाले जो प्लेन है वो भी मैं बताता हूँ वो कहाँ पर है, हेलो सर मैंने पूछा था एक बार वो बता दो एंगल्स बता दो, मेरा नेट बार बार कट रहा है, कौन सा एंगल लाइन तो जैसे आप ड्रॉ करते हो ना हॉरिजॉन्टल के लिए तो वो वाला एंगल मेरे कट रही थी पहले, आवाज ना जा नहीं रही है ना आ रही है इतनी। अभी मैं जो करवा रहा हूँ ना आप देखते रहिए, आपको पूरा जब मैं ये करवा दूंगा ना तो फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा, साथ भी साथ आप बस देखते रहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही पॉइंट को प्रोजेक्ट किया है। ओके सर, हाँ भी आपको सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करके हम दिखाएंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दो प्लेन्स हैं, चलो इसको मैं पूरा ही बना देता हूँ, अब जो प्रोफाइल प्लेन है जिसके जेड एक्सिस का जो प्लेन है उसको भी हम यहाँ पर बना देते हैं,
तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि आपको तीन प्लेन नजर आ रहे सर थोड़ा हैं। जूम आउट कर दो। जूम आउट ही तो है। अब ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको तीन प्लेन नजर आ रहे होंगे। एक तो ये वाला प्लेन है, ये एक प्लेन है, एक ये प्लेन है और एक ये वाला प्लेन है। इस प्लेन को बोला जाता है, मैं आपको ये थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन में बना दिखा देता हूँ। ये वाला ये प्लेन होता है प्रोफाइल प्लेन। आपको पूरा प्लेन नजर आ रहा होगा। और ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हाँ जी, अब तो आपको कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है आपको कि जो तीन प्लेन बनाए हैं, एक ये प्रोफाइल प्लेन, एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन, ये तीन प्लेन आपको समझ में आ रहे हैं क्लियरली? सर 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 जैसे आपने ये इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के बीच में एक लाइन बनाई हुई है, उनके क्रॉस सेक्शन की एक लाइन बनाई हुई है। हाँ, ये एक्स और वाई वाली ये ओरिजिन है। ओरिजिन है। हाँ, तो सर हाँ ये, हाँ ठीक है, ये ऐसे ही एक इसकी भी तो बना सकते हैं ना हम, ये प्रोफाइल प्लेन की, प्रोफाइल सर प्लेन की भी तो बना सकते हैं ना ऐसे। लाइन नहीं सर, वो लाइन ऐसे सीधी होगी, मतलब ऐसे सीधी। यस सर, ऐसी इस तरह होगी। ये एक्चुअली ये लीजिए, इस लाइन को कह रहे हैं ना आप? यस सर, वही वाली जो आपने पे सीधी बनाई है, वही कह रहा हूँ। तो ये प्रोफाइल प्लेन के अंदर लाइन है। ये वाली लाइन जो है, ये तीनों प्लेन्स के अंदर कॉमन है। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, इसमें तीनों में ये एक्स वाई कॉमन है। कुछ भी नहीं है, आप बेवजह कंफ्यूज कर रहे हो इसको। इस वाली लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस यहाँ पर हम इस ओरिजिनल ओरिजिन वाली लाइन की बात कर रहे हैं। आप इसको भी मान सकते हो एक्स वाई लाइन, लेकिन हम यहीं पे इसको ले रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारी आपका 0 0 लाइन है, ठीक है? तो अब हम जो क्वाड्रेंट है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट को प्रोजेक्ट करना है। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि द पॉइंट क्यू इज, अगर पॉइंट क्यू यहां पर है तो ये बोलता है कि इट इज 20 mm, 20 mm बिलो HP। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है, इट इज 20 mm बिलो HP। तो ये डिस्टेंस आपको मैं ये बना के दिखा रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। Yes.
यहां पर आप ये देख रहे हैं कि अगर वो बोले 20 mm 25 mm बिहाइंड द वीपी, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है, अगर ये पॉइंट क्यू यहां पर है तो 25 mm बिहाइंड द वीपी, तो ये वीपी है हमारा, ये वीपी है, आपको ये नजर आ रहा है कि ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है बिहाइंड द वीपी, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हमारा क्यू डबल डैश और ये क्यू डैश, तो ये जो बिहाइंड द डिस्टेंस है, बिहाइंड द वीपी डिस्टेंस 25 है और बिलो द एचपी जो डिस्टेंस है वो है 20, तो ये इसके प्रोजेक्शन हो गए। अब समझ में आ रहा है, इस प्रोफाइल प्लेन का मैं बाद में समझाऊंगा कि कोई यूज है कि नहीं है, इसका बाद में समझाया जाएगा आपको। इससे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ कि ये पॉइंट क्यों, इससे कितना डिस्टेंस है, ये नहीं दिया हुआ, बस ये दिया हुआ है कि ये कितना पीछे है और कितना बिलो है, ये आपको समझ में आ रहा है। यस सर। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन मैं बना रहा हूं ना, ये मैं किसी भी एंगल पे बना रहा हूं, वैसे ये ये जो प्रोजेक्शन जिससे मैं देख रहा हूं ये उस एंगल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम इसको 30 डिग्री पे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो बाद की बात है, ये बस आपको समझने के लिए है कि दो प्लेन बनाए हुए हैं, इसमें ये पॉइंट को हमने प्रोजेक्ट किया है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में था। अब इसको आपने इमेजिन करना है, लेकिन जब आप आंसर बनाएंगे आंसर फिगर में आपने क्या करना है कि आपने वर्टिकल प्लेन बनाना है, आप वर्टिकल प्लेन, मैं थोड़ा ड्राफ्टर छोटा है, तो अगर ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, अगर सामने से देखें तो अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से आप, हाँ जी थोड़ा नीचे कर दो, नजर नहीं आ रहा ढंग से, अब आ रहा है थोड़ा सा और, जूम करना है, नहीं 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 जूम आउट करना है, जूम आउट करना है जी, ठीक है। तो ये जो हम इधर से देख रहे हैं, तो यहां से देखने पे ये जो पॉइंट क्यू है, ये सामने ये पॉइंट क्यू डैश इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा इसका, तो अगर ये हमारी एक्स वाई लाइन है, अगर ये हमारी एक्स वाई लाइन है तो पॉइंट क्यू डैश कहां पर आएगा, 20 नीचे, यहां से 20 नीचे, तो यहां पर ये क्यू डैश पॉइंट आ जाएगा, और क्यू जो है क्यू डैश के पीछे होगा, बिल्कुल क्यू डैश के पीछे होगा क्यू, ये समझ में आ रहा है आपको कि क्यू कहाँ होगा, क्यू डैश के पीछे, ये प्रोजेक्शन निकालनी है क्यू डैश और क्यू डबल डैश, इस समय क्यू डबल डैश कहां पर है, यहां पर है, इस समय ये अगर एक्स वाई लाइन है और ये वर्टिकल प्लेन है तो क्यू डैश कहां पर है, क्यू डैश क्यू डबल डैश ये ऊपर है यहां पर, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है समझ में, यस सर। तो यहां पर हम, अगर मैं इस प्लेन को ऐसे रोटेट करता हूं, मान लीजिए इस प्लेन को ऐसे रोटेट कर दिया मैंने, ठीक है, इस प्लेन को मैंने कर दिया रोटेट, तो क्यू डबल डैश कितना ऊपर चला जाएगा, ये जो डिस्टेंस है 20 का 25,
ये 25 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 25, ये सीधा ऊपर आ जाएगा ऊपर। अगर मैं ये प्लेन को ऐसे रोटेट कर देता हूँ तो ये क्यू डबल डैश कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ये क्यू डबल डैश ऊपर आ जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 25 और ये डिस्टेंस हो जाएगा 20। ये 25 क्योंकि ये 25 है और ये बिलो 20 है, तो ये यहां पर बिलो 20 आया। ये चीज आपको समझनी है कि ये मैंने क्या बनाया। अगर मैं ये प्लेन जो है ये रोटेट कर रहा हूं तो क्यू डैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्यू डैश इस प्लेन में है। सिर्फ ये वाला प्लेन मैंने इसलिए रोटेट किया है क्योंकि क्यू डबल डैश को हम दिखाना चाहते हैं कहां पर है, तो हम उसको हम रोटेट कर देते हैं प्लेन को। तो इस केस के अंदर ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू, और ये क्या है, टॉप व्यू। इसको बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जब टॉप व्यू ऊपर है और फ्रंट व्यू नीचे है तो उसको बोलेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आपको समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आई आपको कि नहीं आई? अभी सर। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो अगला क्वेश्चन ये है। आपको ये चीज नहीं बनानी है, आपको आंसर पता है क्या बनाना है? आपको बनी बनाई मैं शीट दिखा रहा हूँ, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें देखिए शीट में कि आपको फाइनल शीट क्या बनानी है वो देखिए। देखिए ये इस तरह से शीट बनानी है, इसमें आपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो जैसे पहला पॉइंट था, अ पॉइंट पी इज 20 mm अबव एचपी एंड 25 mm बिहाइंड द वीपी, तो आंसर बस इतना सा बनाना है आपने, 20 mm अबव एचपी एंड 25 mm बिहाइंड द वीपी। और अभी जो मैंने ये क्यू ड्रॉ किया है ये आप ये देख सकते हैं, ये 20 mm नीचे है, 25 mm अबव एचपी है, ये मैंने अभी ड्रॉ किया है। बस ये आंसर बनाना है आपको, बाकी चीजें इमेजिन करनी है बस। आ रहा है समझ में आपको? ठीक है आदित्य। यस सर। आपको समझ में आया है? यस। ये बना लोगे, ये नीचे वाला पॉइंट बना लोगे? यस
सर, कोशिश करूंगा सर पूरी। अरे कुछ नहीं करना, इसमें आपको बस इमेजिन करना है पॉइंट को, पॉइंट को इमेजिन करना है और बस उसको ड्रॉ करना है जैसे कि ये बनाया हुआ है। देखो ये बस पॉइंट की लोकेशन को आपने इमेजिन करना है, पॉइंट क्या हुआ, 20 mm above below HP and 25 mm behind the VP। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट को यहाँ पर हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया इसकी प्रोजेक्शंस को, फ्रंट व्यू टॉप व्यू और कुछ नहीं है। अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा जो आगे के पॉइंट्स हैं, इसको आप देखते रहिए और आपको आगे सारे पॉइंट्स जब मैं करवा दूंगा आपको फिर वो समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट जो है हमारा तो अगला पॉइंट, मैंने ये दोनों बना लिए हैं आपके दोनों प्लेन्स। अगला पॉइंट जो है वो बोलता है द पॉइंट आर इज 25 mm, द पॉइंट आर इज 25 mm बिलो एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो ये पॉइंट जो होगा आर पॉइंट, ये कहाँ पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 25 mm below HP and 20 mm in front of VP। तो 25 mm below HP यानी कि यहाँ पर और 20 mm in front of VP।
ये पॉइंट आर है, इट इज 25 mm बिलो एचपी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये कुछ इमेजिन कर रहे हैं आप? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपली आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सर 12th में तो इनकी इक्वेशंस भी सॉल्व करी हुई हैं। आपको जो मैं करवा रहा हूँ ना, वो उसमें कोई इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन वगैरह नहीं है इसमें। मैं आपको बिल्कुल सिंपल चीज करवा रहा हूँ, आपको वो नहीं है, आप इसको बस देखिए। मैं मैथमेटिक्स से नहीं, ये ड्राइंग है, ये इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है, वो टोटली इमेजिनेशन का। सर वहाँ पे भी इमेजिनेशन होती थी सर। अब मैं आपको वो इमेजिनेशन उतारनी है वहां पर, दिमाग में इमेजिन करना है, यहाँ पर उतारना है, बड़ा फर्क है। तो यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है ना? अब ये आर है और यहाँ पर आर डैश। सर मुश्किल है काफी देखने में। कोई मुश्किल नहीं है, ये मैं बना रहा हूँ इसलिए मुश्किल लग रहा है। ये आपने बनाना नहीं है, ये नहीं बनाना आपने, कुछ भी नहीं बनाना, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये फ्रंट व्यू रहेगा, आपको इमेजिन करो ये फ्रंट व्यू रहेगा आर डैश, और ये इसका जो टॉप व्यू रहेगा वो यहां पर ये आर डबल डैश रहेगा। अब ये अगर मैं प्लेन को ऐसे रोटेट कर देता हूं तो यहां पर मैं एक्स वाई लाइन बनाता हूं, ये एक्स वाई लाइन, तो ये जो आर होगा ये कहां पर होगा? ये अगर 25 है नीचे को, ये 25 नीचे आ गया आर, ये आर 25, दिस इज आर डैश, क्योंकि यहां पर ये नीचे 25 है, दिस इज 25। और जब मैं ये प्लेन्स को रोटेट कर रहा हूं, ये प्लेन ऐसे, ये वाला ऐसे रोटेट किया तो ये आर डबल डैश कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। नीचे कितना डिस्टेंस है? ये जो डिस्टेंस है 20, ये नीचे आ जाएगा। ये डिस्टेंस नीचे आ गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 20। आपको ये चीज इमेजिन करनी है और ये आंसर बताना है आपको, बस ये आंसर आप आपको निकालना है कि अगर ये पॉइंट यहाँ लाई करता है तो इसकी प्रोजेक्शन कैसी होगी, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे होगा। बस इसमें मुश्किल क्या है, कर लेंगे? यस सर। बस अब मैंने तीन पॉइंट्स आपको बताए हैं। देखो पहला आपको मैंने बताया ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट था, ये इसका आंसर है। दूसरा मैंने आपको बताया ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, इसका आंसर ये है, थर्ड क्वाड्रेंट में था तो ये आंसर बनेगा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर ये वाला बनेगा, इसको बोलते हैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, लेकिन ये हम यूज नहीं करते क्योंकि इसमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ओवरलैप कर जाते हैं, इसमें ओवरलैप कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो कभी भी फोर्थ एंगल सेकंड एंगल प्रोजेक्शन होती ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रह गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है। अगला क्वेश्चन है जो पॉइंट फोर्थ है, द पॉइंट एस इज 20 mm above HP and 20 mm in front of VP. Point S is 20 mm above HP and 25 mm in front of VP. तो ये पॉइंट कहाँ हुआ?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में 20 अबव है, 25 mm इन फ्रंट है। हाँ जी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना? यस सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट ये बनाते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इमेजिनेशन के लिए है, मैं इमेजिनेशन के लिए बना रहा हूँ ताकि आप जब प्रोजेक्ट करें तो आप पहले उसको इमेजिन करें कि वो कैसे होगा प्रोजेक्ट। इट इज ये बोल रहा है इट इज 25 mm इन फ्रंट ऑफ बी क्यू, 25 इन फ्रंट है तो यहाँ पर अब ये थोड़ा गिच पिच हो सकता है।